हेलो और अस्सलाम वालेकुम जोसेफ मिनोस भाई, आज का टॉपिक है वो मेरे दिमाग में बड़े टाइम से पैक है, मैं इस पे बोलूं लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार रुको जरा इस पे भी बोलेंगे, रुको ठहर जाओ। तो आज फाइनली जी मैंने कहा नहीं बोलना तो पड़ेगा। अब आधे लोगों की ना टॉपिक देख के ही ना मैया रुल जानी है कि भाई ये हमारे पेरेंट्स को कैसे गलत बोल रहा है, हमारे पेरेंट्स हमारे भले के लिए करते हैं जो भी करते हैं, दे डू फॉर आवर गुड। यार यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें जो है वो समझनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन दिस सोसाइटी, सही है ना? तो जो लोग जो सारा दिन बातें करते हैं, जो टीवी शोज में सीरियल्स में दिखाया जाता है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो न्यूज़पेपर में आता है, जो वो लोग रियल लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उसका एक बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। तो आपके माँ बाप कोई दूध के धुले नहीं है, उनके सारे आइडियाज कोई उनका 50 साल का एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस में उन्हें 70% मिला क्या है, शर्मा वर्मा मिश्रा ही मिले ना, उनकी थिंकिंग भी तो उनपे इफेक्ट आया है ना। और दूसरी बात ये कि भाई जेनरेशन गैप है, सही है ना? हम 50 साल की उम्र में जो सोचेंगे वो हमारे बच्चे उससे डिफरेंट सोचेंगे, ये बात पहले तो दिमाग में बिठा लो। तो डोंट जस्ट गो इन बॉम्बार्डिंग योरसेल्फ विद के अब गलत बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, वो हमें प्यार करते हैं इसीलिए डांटते हैं। ये थ्योरी जो है ये भाई शुरू से ही प्रिवेल करती आई है कि भाई जो हमारे माँ बाप है जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। बेसिकली ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा थोड़ा डिसहार्टेंड हो जाता है डांट खाने के बाद, तो फिर उसको ये कंसोल किया जाता है कि भाई जो भी वो कहते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे पहले तो मैं मुखातिब हूँ पेरेंट्स से, जो आपके बच्चे की उम्र है, जिस मैं तो कहूंगा बल्कि कि भाई अनटिल एंड अनलेस यू हैव किड्स यू आर किड। बाप का उसको बोलना कि बेटा देख हम इस उम्र में गुजर चुके हैं और यह बहुत नुकसान करेगा तुझे आगे। अब जरूरी थोड़ी है कि जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो। तो ये तो स्कोल्डिंग है ना, जो टर्म स्कोल्डिंग है, जो पेरेंट्स डांटते हैं ताकि वो बच्चा उस चीज से दूर रहे। एक एग्जांपल देता हूं कि बचपन में जब एक बच्चा फर्स्ट टाइम जब स्कूल में बंक करता है तो उसके लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है, वो घर आके अपनी अम्मी को बताता है कि अम्मी आज मैंने बंक किया। अब अम्मी बजाय ये बोलने की नहीं बेटा ये तो गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए, अम्मी बोलती है नहीं तुम्हारे अब्बू को आने दो मैं उनको बताती हूँ फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो अब वो बच्चा जो होता है वो डर जाता है। वो करता क्या है, वो ये नहीं करता कि वो बंक करना बंद कर देता है, वो जो करता है वो ये है कि वो अपनी अम्मी को बताना बंद कर देता है। स्टार्ट यहीं से हो जाता है और फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बुलिंग हो गया, लव शव हो गया, या टीचर से नहीं बन रही, कोई हरासमेंट कुछ भी है, तो अच्छा वो बात अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करता। जो सबसे यही मेन रीजन है जिसके लिए मैं बोलता हूं कि भाई बच्चे को प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा फिर प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा फिर भी प्यार से समझाओ, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितना आप बच्चे को डांटेंगे मारेंगे वो बच्चा रिटेलिएट करेगा, वो ये मत सोचिएगा कि वो डर के और ये काम करना छोड़ देगा, नहीं वो काम फोर्स के साथ करेगा और इन द एंड वो खड़ा हो जाएगा कि नहीं मैं करूंगा, आपने जो करना है कर ले, फिर क्या करेंगे बताएं। मैंने रियल लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहां पे बच्चे को जब डांटा डांटा डांट, अगर आपका बच्चा डांट डांट के बाद अब वो काम नहीं कर रहा ना तो गनीमत जाने, वो बड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या कहते हैं उसने ये काम छोड़ दिया। वरना बच्चे की जो साइकी होती है वो काम ही ऐसे करती है कि जो उसको करने से रोको। ये बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा बच्चा मैंने नोटिस किया था, वो हैड हिज फिंगर इन हिज नोज, तो मैंने उसको मना किया तो उसने दूसरी भी डाल ली, समझ रहे हो? तो जिस चीज से मना किया जाता है बच्चों को वही चीज वो लोग करते हैं इन रिटेलिएशन कि मुझे मना क्यों कर रहे हैं। जबकि आप अगर उन्हें प्यार से बोलते कि मतलब कोई फनी जोक बना देते वहां पे कुछ मजाक करके उनके साथ तो शायद वो काम नहीं करते। हमारी एज में जो प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ हमें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको लिख के दे दूं आपका जो स्कूलों में एटलीस्ट 70-80% बच्चा है ना वो दिन में नहीं तो हफ्ते में एक बार सुसाइड का जरूर सोचता है। ओ ये क्या बोल रहा है ये, ऐसा तो हमारे बच्चे तो बहुत ही खुशबाश है। यार वो खुशबाश हैं, वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो अंदर चल रहा है ना वो टू बी ऑनेस्ट तो फिर मैं उस एज का हूं तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अच्छा हफ्ते में एक बार सुसाइड का जरूर सोचता है, क्यों सोचता है? इसमें बड़े बड़े रीजंस जो है वो मैं तुम्हें गिनवा देता हूँ मोटे मोटे। ग्रेड्स का प्रेशर, सही है, अपनी थ्योरीज बनाएंगे अपने माँ बाप की खुशी के लिए हम पढ़ सकते हैं। अबे माँ बाप को खुश करना है उस फीस का पूरा, वो आपने अगर जो फीस वो लोग भर रहे हैं उसका आपने पूरा निचोड़ निकालना है तो अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अच्छी से अच्छी एजुकेशन लो, अपना टाइम फुल एंजॉय करो और एंड में जाके सक्सेसफुल बनो। ये ग्रेट रेट से कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट, लड़की पसंद आई उसने ना बोल दिया, या फिर लड़का पसंद आया उसने ना बोल दिया,
अब यहाँ पे जी ये एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। मैं जरा ऊपर से मोटा मोटा वो बता रहा हूँ, और अगर आप पेरेंट हैं और देख के ये सोच रहे नहीं भाई हमारे बच्चे को हमने अच्छे संस्कार दिए, अच्छे हमने वो क्या कहते हैं उसको परवरिश की, हमारा बच्चा ऐसी हरकत नहीं, अबे आपके बच्चे के संस्कार गए तेल लेने, हॉर्मोन्स की बात होती है, समझ रहे हो। आप कहो कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है तो मैं बोलूंगा आप झूठ बोल रहे हो, आपके बच्चे ने आपको बताया नहीं क्योंकि वो आपसे डरता है, आप उसके दोस्त नहीं हो, आप उसके पेरेंट हो। तीसरी प्रॉब्लम जी बुलिंग। अब बुलिंग को टैकल कैसे करना है बच्चे ने, उसका भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बुलिंग एक प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता, मैं एग्जांपल तुम्हें इससे समझाता हूं, जो बुली नहीं करता वो बुली होता है, इतने लोग बुलिंग का शिकार हैं। क्या कोई न्यूट्रल नहीं होता जो बुली कर भी नहीं रहा और जो हो भी नहीं रहा, इधर यू आर विद द बुली इधर यू गेट बुलीड। ये मेरा कोई पिछले 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है कि अगर आप उस बुली गैंग में बिलोंग नहीं करते ना तो वो आपको बुली करते हैं, तो बुलिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो किससे बंदा अपने दिल की बात कहेगा, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं प्यार हो गया, वाह तंग कर रहे तुम, डर गए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास, पढ़ा नहीं जा रहा, ये क्या बात हुई। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं। अब ये वीडियो मुझे तो नहीं लगता ज्यादातर लोग मुझे बड़ी एज के इतना फॉलो करते हैं अगर तो कि उनके पास पहुंचेगी, पर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम अपने पेरेंट्स को ये दिखाओ, तो आई एम मेकिंग इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई बंदा इस पे बोल नहीं रहा क्योंकि सबकी फटी पड़ी है कि भाई इतने पेरेंट्स की कम्युनिटी को कैसे बंदा चैलेंज कर दे। मैं कर रहा हूं चैलेंज तुम्हारे पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, तुम्हारे रिलेटिव्स को, सबको मैं कर रहा हूँ चैलेंज। होप सो आपको मैसेज मिल गया होगा, मैसेज ये कि आपका बच्चा बहुत फ्रेजाइल है, बहुत डेलिकेट है, उसको प्यार से ट्रीट करें, और भी प्यार से ट्रीट करें, फिर भी प्यार से ट्रीट करें, प्यार से ट्रीट करते ही रहें, प्यार से बच्चा नहीं बिगड़ता, ये मेरी बात आप लिख के ले लें, डांटने से और मारने से बिगड़ता है, रिटेलिएशन में बिगड़ता है। एक बच्चा आपका बुरे एक्सपीरियंस से सीख रहा है और उस बुरे एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं दोहरा रहा तो वो बुरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहता, ये बात मेरी याद रखना। अगर उसने किसी को गाली दी और आपने उसे प्यार से समझाया कि बेटा गाली देना गलत बात होती है, मैनर्स नहीं होते ये, और समझ लिया कि अम्मी मैं दोबारा गाली नहीं दूंगा, तो वो उसने जो गाली देने से जो सीखा वो एक बहुत बड़ी चीज थी जो वैसे सीखी नहीं जा सकती थी। तो खुदारा सोचें, गौर करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के दोस्त बने, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि वो आपसे हर बात शेयर कर सकते हैं, कि उनकी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम है, उनके दोस्त नहीं, कोई उनसे अच्छे से बात नहीं करता, कोई उन्हें प्यार नहीं करता, लेकिन आप करते हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप उनसे बात करेंगे, आपके पास उनके लिए टाइम है। चलो खैर हम है ना, हम है तो क्या काम है, हम दूर करेंगे ना, हम मोटिवेशन लाएंगे ना। जोसेफ साइनिंग ऑफ इंट्री लॉस्ट।